कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर ही उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि धौरहरा की जनता सभी साजिशों को नाकाम कर देगी। जितिन प्रसाद ने पार्टी आलाकमान से उन्हें धौरहरा से ही चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए कहा है। जितिन प्रसाद के इस बयान ने सियासी गलियारों में एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है। तो आपको बता दें कि जितिन प्रसाद ने एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है। जितिन प्रसाद ने कहा है कि धौरहरा की जनता पर तो उन्हें विश्वास है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही उनके खिलाफ आवाज उठ रही है, साजिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि धौरहरा की जनता सभी साजिशों को नाकाम कर देगी। मामले में और अधिक जानकारी के साथ गोपाल गिरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोपाल, एक बार फिर से जिस तरह से जितिन प्रसाद ने बयान यहां पर दिया है कि अंदर खाने उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, जाहिर तौर पर अफवाहों का बाजार एक बार फिर से गर्म है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अफवाहों का बाजार आज पहली बार नहीं है। पिछले एक हफ्ते से लेकर जैसे देश की राजनीति जिस गर्म हो रही है, वैसे भी धौरहरा में भी राजनीति गर्म है और होने की वजह सबसे बड़ी है जितिन प्रसाद, जो पहले परसिमन में नई लोकसभा धौरहरा बनने के बाद में यहां से सांसद बने थे और कांग्रेस सरकार में पेट्रोलियम और परिवहन जैसे अच्छे जो है विभागों में मंत्रालय भी संभाला था उन्होंने, और उसके बाद मोदी लहर में रेखा वर्मा ने उनको चुनाव हराया और रेखा वर्मा चुनाव हारने के बाद भी वो पूरे 5 साल जो है अपने क्षेत्र में मेहनत करते रहे और लोगों से ये मिलते जुलते कहते रहे कि हम दोबारा आप लोगों को जो है आशीर्वाद मिलेगा, हम सेवा करेंगे, इसी नाते पूरा उन्हें संपर्क करते रहे। और उसके बाद फिर अचानक जो है पिछले एक हफ्ते पहले एकदम भाजपा में जाने की इनके चर्चे गर्म हुए, जिसके चलते पूरे प्रदेश की राजनीति को उन्होंने गर्म किया और आखिर में आकर के उन्हें हाईकमान जो कहेगा उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ इस सेंटेंस पर आकर के सारी चर्चाओं को विराम लगाया और लखनऊ में राजनाथ के कंटेनमेंट के चुनाव लड़ने की चर्चाएं एक बार फिर गर्म हुई और उसके बाद एक नया जो है हाई वोल्टेज ड्रामा कल देखने को मिला। जब शाहजहांपुर से लखनऊ जा रहे थे तो उसी समय धौरहरा विधानसभा लोकसभा के हजारों समर्थकों ने इनको NH-24 पे रोका और जो है इन्होंने मार्मिक जनता ने इनसे अपील की कि आप धौरहरा छोड़ के मत जाइए। धौरहरा की पुकार जो है जितिन प्रसाद की बात जैसे नारों से इनका मनोबल बढ़ाया और उसके बाद जितिन प्रसाद ने जो है अपना एक मार्मिक ट्वीट भी अपने ट्विटर पर करके संदेश देने का प्रयास किया कि धौरहरा से मेरा बहुत लगाव है। लेकिन गोपाल, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी बात यहाँ पर कही जा रही थी और जितिन प्रसाद का नाम सबसे आगे चल रहा था तमाम विवादों के बीच में, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से ये उन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, तो उसे किस तरह से देखें? बिल्कुल, कहीं ना कहीं से उनका जो भाजपा में जाने की अटकलें हैं और या फिर जिस तरीके से उनको जो है राजनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ाने की बात कांग्रेस के अंदर खाने से आई है, तो कहीं ना कहीं से बिल्कुल वो आहत हैं पार्टी के निर्णयों से, क्योंकि वो कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और उनको ये मान कर चल रहे थे कि जो है इस चुनाव में जो भी अहम निर्णय होंगे वो हमसे पूछ के ले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो आरोप लगाया है कि लखीमपुर में जो है एक वर्ग विशेष के द्वारा जो है उसको प्रत्याशी को रिपीट करना या फिर कांग्रेस ने जो है बाहर से ज्योतिराव सिंधिया और प्रियंका गांधी के आने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं से किनारे करके किसी भी रणनीति में उनको शामिल न किया जाना, काफी मुद्दे थे जिसको लेकर वो पहले से आज चल रहे थे और जब भाजपा में जाने की उनकी अटकलें आई तो इन मुद्दों पे मोहर लगती हुई नजर आई कि कहीं ना कहीं से अंदर खाने से दुखी है और फिर जब धौरहरा से टिकट कटा इनका तो ये और भी पुष्टि हुई कि आहत है। लेकिन वो शायद पार्टी किसी दबाव के चलते जो बात अपने मुंह से खुलकर नहीं कह पा रहे हैं उसको शायद जनता से कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से कल जगह जगह पर उनको जनता ने रोका और जनता ने इस तरीके से नारे लगाए और बात करने पर जब उनसे षड्यंत्र की बात की गई तो ये भी उन्होंने कैमरे पर स्वीकार करते हुए कहा तो कहीं ना कहीं अपना दर्द बयान करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पार्टी पर दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। गोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।